आज इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि जब हमारे बोर्ड में माइनर लीकेज आ जाता है तो उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो फ़िलहाल आप एक बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड का पार्ट नंबर है ZAA X32, एसर का है ये, है ना। तो इसमें क्या है, एक माइनर शॉर्टिंग है। वो माइनर शॉर्टिंग कैसे पता करेंगे, तो एक बार देखिए DC पे आप निगाहें रखिएगा। अभी देखिए मैंने DC को कनेक्ट करके रखा है, एक बार DC ऑन करिए। जब आप DC ऑन करते तो एम्पियर आपने देखा होगा 338 गया। फिर से एक बार ऑफ करिए, फिर से ऑन करिए DC को, तो ये देखिए 332 आया। फिर वापस ये 42 पे आ रहा है, 40 पे आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर दिक्कत है। पहला दिक्कत तो जो एम्पियर आप देख रहे हैं ना, 0.041, एक तो ये गलत आ रहा है ना, ये ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो लीकेज है। और दूसरा आपने देखा 300 से ज़्यादा, 0.300 से ज़्यादा मिली एम्पियर आ रहा था। देखिए फिर से एक बार, अभी ऑन किया, अब देखिए 332, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर दिक्कत है। अब इस तरह की जब शॉर्टिंग हो जाती है ना, तो पता करना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि आखिरकार में शॉर्टिंग है क्यों। क्योंकि ऐसा लगता है देख करके कि शायद बोर्ड एक बार ऑन हुआ था, इस तरह के एम्पियर को देख के लगता है कि बोर्ड आपका ऑन हुआ था, लेकिन नहीं, ये बोर्ड ऑन होने का एम्पियर नहीं है, बल्कि ये शॉर्टिंग का एम्पियर है ना। कि कहीं ना कहीं एक शॉर्टिंग होती है, एक लीकेज होती है और फिर वो वापस ख़त्म हो जाती है। तो हमने इस बोर्ड में काफ़ी ट्राई किया है ना, हमें वो शॉर्टिंग नहीं मिल पा रही थी, है ना। इवन हम लोगों ने इसमें वोल्टेज इंजेक्ट मेथड भी यूटिलाइज करके देखा, वो भी नहीं पता चला, है ना। तो लास्ट में हमारे पास ये थर्मल कैमरा था। थर्मल कैमरा से जब हमने इस प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करना चाहा कि आखिरकार ये माइनर लीकेज कहाँ है, ये शॉर्टिंग कहाँ है, तो हमें पकड़ में आया। किस तरह पकड़ में आया, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि थर्मल कैमरे से किस तरह हम उस कल्प्रिट को ढूंढेंगे। तो फिलहाल आपको मैं रूम का टेम्परेचर दिखा दे रहा हूँ। अभी हमारे रूम का जो टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं 32 है, 32 रूम का टेम्परेचर है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये बोर्ड है, बोर्ड का भी टेम्परेचर क्या होगा, 32 ही होगा। 32 डिग्री हमारा दिखा रहा है रूम का टेम्परेचर, बोर्ड का भी टेम्परेचर 32 ही होगा। दिखाइए ज़रा 32 के आसपास हमें, बिना DC को ऑन किए अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर देखें अपने थर्मल कैमरे का, लगाइएगा कहीं पे, इसको लगाए, हाँ इसको मूव करिए, देखिए 32.6 आ रहा है, 32.7 आ रहा है। मतलब ये क्या, आपका रूम का भी टेम्परेचर हो गया और हम कह सकते हैं हमारे बोर्ड का भी टेम्परेचर यही है। और थर्मल कैमरे की यही खासियत होती है कि जब कभी भी वो कहीं पर हीट देखता है तो टेम्परेचर आपको बता देता है। तो फिलहाल जितना इस बोर्ड का टेम्परेचर है, आप कहीं भी मैं ले जा रहा हूँ, इससे PCB पे कहीं पे भी मैं ले जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरे को वही 32-33 बता रहा है। अभी ये न्यू दिल्ली का टेम्परेचर यही है फिलहाल रूम का, बाहर तो मेरे ख्याल से 37 का टेम्परेचर, 38 का टेम्परेचर होगा, है ना। तो आप देखिए ये थर्मल कैमरा कैसे आपको जो हमारा जहाँ पर माइनर शॉर्टिंग है उसको पकड़ने में मदद करता है। तो उसके लिए देखिए, अभी हमने थर्मल कैमरा का स्क्रीन पे देखना है गौर से। इनिशियल टेम्परेचर आपने देख लिया 32.7 दे रहा है। अब एक बार आप DC को ऑन करिएगा, DC ऑन करिए, अभी देखिए 39 कहीं पर आया, आप देख सकते हैं कहीं पर 39 आया। फिर से दिखाओ भाई, 35 तो नॉर्मल है, यहाँ पर दिखाइए ज़रा, हाँ ये देखिए 39 तक टेम्पर गया। फिर 39 तक जा कर के फिर वो वापस डिसअपीयर हो गया। मतलब कोई एक IC है इस जगह पे जो कि हमारा, जैसे हम DC को ऑन करते हैं तो वो IC अचानक से हीट होती है ना। बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती है, इतना हीट नहीं होती कि आप उसको अपने फिंगर से सेंस करके समझ जाओगे, ये केवल थर्मल कैमरा ही पकड़ पा रहा है। फिर से एक बार दिखाइए, देखिए देख रहे हैं आप 39 तक गया, मतलब मेरा रूम टेम्परेचर था 32, लेकिन एक IC अचानक से 39 तक गया और उसके बाद फिर वो ऑफ हो गया है ना। किस लोकेशन पे, ये लोकेशन पे, ये फिर से यहाँ पे फिर से करना ऑफ करके, और ये देखिए यहाँ पर इस लोकेशन पे देख रहे हैं आप 39 तक जा रहा है बस। अब यहाँ पर आप फिंगर लगाइए ज़रा कौन सी IC है, तो ये IC हमें पकड़ में आई। तो ये IC आप देखिए, ये हमारी एक IC है, ये हमारी कौन सी IC है, 1.05 की है,
अब 1 वोल्ट की है, चूँकि ये 6th जनरेशन का बोर्ड है तो इसमें 1 वोल्ट ऑलवेज जो है इसकी आईसी है ना, ये आईसी यहाँ पर कल्प्रिट है। अब इस आईसी को हम हटा के फिर आपको मैं डीसीएम पर दिखाता हूँ, एक बार इस आईसी को हटाइए फिर हम इसे देखते हैं ज़रा। इस आईसी को हटा के लाइए, चलिए आईसी हमने हटा दिया, जगह को एक बार साफ कर लो अच्छे से। चलिए इस आईसी को हटाने के बाद की कंडीशन अब हम देखते हैं। अब आप फिर से कनेक्ट करिए, अभी हम डीसी को डीसी पे देखेंगे। हाँ कनेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कनेक्ट कर लिया, डीसी से कनेक्ट करिए। अब इसकी ज़रूरत नहीं, पहले डीसी पे हम देख लेंगे ना टेम्पर इसका, कि हमारा जो यहाँ पर स्टैंड बाय एम्पियर है वो सही हुआ कि नहीं हुआ। दिखाओ, अभी भी 43 आ रहा है। अच्छा, लेकिन वो जो देख रहे हैं पहले जो 300 तक जा रहा है ना वो नहीं जा रहा था। एक बार ऑफ करिए, फिर से ऑन करिए। अभी भी कुछ कर रहा है गड़बड़? नहीं, अच्छा ये आपका जा रहा है 0042 चार्ज। फिर से एक बार ऑफ करके ऑन करो, फिर से ऑन करिए एक बार, देखूँ जरा। 2943 मतलब वो जो जा रहा था 300 तक वो जाना बंद हो गया है ना। तो कुल मिला के इस बोर्ड में हमें ये पता चला है कि ये वाली जो आईसी है फिलहाल हमारे यहाँ पर दिक्कत दे रही है। इस आईसी को हमने हटा दिया तो जो 300 तक जा रहा था वो जाना बंद हो गया है ना। अच्छा, इसका ये 12 पे भी आया था एम्पियर। हाँ तो और एक दूसरा कौन सा मिला था हमें? एक और मिला था आईसी, इस केस में बेसिकली हम लोग आइसोलेशन टेक्निक लेते हैं। आइसोलेशन टेक्निक से भी ट्रबल शूट किया जा सकता है। एक बार फिर से इसको भी दिखाओ, यहाँ का भी टेम्परेचर आप देख सकते हैं। ये एक और आईसी यहाँ पर है, ये कौन सी आईसी है? साउंड आईसी है, ये साउंड आईसी है। यहाँ का भी टेम्परेचर आप देखिए 40.5 पे गया है। यहाँ पर ये भी कल्प्रिट है आपका, ये भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं जाना चाहिए साउंड आईसी को, क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर जो है वो 32 है। इसको भी हटाएं एक बार, साउंड आईसी को भी हटाते हैं। आगे फिर से दिखाना डीसी लगा के, थोड़ा सा हीट होगा। थोड़ा ठंडा होने दीजिए,
डीसी एम्पीयर दिखाने को, डीसी एम्पीयर क्या जा रहा है, थोड़ा सा कम हुआ। हाँ कम हुआ, उसमें ऐसा कुछ चेंज नहीं है। ये तीन पाँच मिनट थोड़ा सही से लगाना। अभी देखिए साउंड चिप हटाने के बाद हमारा जो यहाँ पर डीसी का एम्पीयर है वो 0.025 पे आ चुका है, मतलब यहाँ पर साउंड चिप भी आपका शॉर्ट है, मतलब मल्टीपल शॉर्टिंग है इस बोर्ड में, मल्टीपल शॉर्टिंग है इस बोर्ड में। अभी हमारा यहाँ का एम्पीयर इतना पे आ चुका है ना। और भी कहीं ना कहीं कुछ इसमें इशू लग रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो है इस बोर्ड का स्टैंड बाय एम्पीयर क्या होना चाहिए, 0.010 के आसपास जाना चाहिए, तो अभी भी इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो आप ये देख सकते हैं प्रॉब्लम को अभी हमने सॉर्ट आउट नहीं किया है, अभी इस बोर्ड में हम लगे हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है। तो अभी जो हमें कल्प्रिट मिला, एक तो वो आईसी मिला था वन वोल्ट का, और दूसरा हमारा क्या मिला है, साउंड चिप मिला है, ठीक है ना। तो यही है कि जब आप थर्मल कैमरे का, मतलब बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है आपका, जब माइनर शॉर्टिंग होती है तो या तो आप आइसोलेट करके वन बाय वन आप रिमूव करते जाइए और देखते रहिए, या तो वो ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर आप अपने काम को थोड़ा इजी बनाने के लिए थर्मल कैमरे का यूज कर सकते हैं। हमेशा थर्मल कैमरा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन माइनर शॉर्टिंग, माइनर लीकेज के केस में आपके लिए थर्मल कैमरा अगर आपके पास है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है ना।